सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। इस वेले दी अहम खबर सामने आ रही है। तरन तारण दे पट्टी विच लुट दी वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया है। लुटेरियां ने एक कोरियर सर्विस कंपनी चों तकरीबन 5 लाख दी नकदी लुट लई है। सारी वारदात दफ्तर च लगे सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई। इस बारे कंपनी दे सुपरवाइजर गुरजंट सिंह ने दस्या कि हो कंपनी च काम कर रहा सी तां अचानक दो नौजवान अंदर दाखिल होए ते तकरीबन 5 लाख दी नकदी लुट के मोटरसाइकिल ते फरार हो गए। एक्सप्रेस कोरियर कंपनी च काम करदा हां बतौर सुपरवाइजर। अज सवेरे जदों मैं दफ्तर आया तो दफ्तर ने खोलिया तो असी सारे मुंडे बैठे डेली रूटीन वागू जिवें पहला काम करते हैं उवें आपदा काम कर रहे सीगे। तो काम करते करते जदों असी मुंडे सारे रूट तो बाहर चल गए, सारे चल गए अपने अपने काम से, मैं कला रह गया। मेरे को एक मुंडा बैठा सीगा अमरजीत, तो उन्हूं किसी का फोन आया वा कि मैं पार्सल मेरा दे के जाओ। पार्सल दिन गैद लिया तो उस तो बाद कुछ घटना हैगी 12:10 की, तो कैश जमा करवाना सीगा मैं अपना। कैश 2-3 दिन का मेरे को कैश पिया होया, जिहड़ी कुल रकम बनती है कुछ 4,98,000 रुपया। तो वह कैश जमा करवाउण दे लई मैं उन्हूं गिण दे लई अपने दराज दे विच रख्या। जो उस कैश नूं मैं गिण के रैडी करके रख चुका सी तां मैं अपना कुछ निजी काम कर रहा सी ऑफिस का, तां दो बाहरों लड़के आए जिन्हां ने अपना मूँह कवर किया होया सी। स्पलेंडर मोटरसाइकिल सी उन्हां दा काले रंग का। उन्हां चों एक लड़का अंदर आउंदा है तो मैनूं कहिंदा वा कि मेरा कुछ समान आया तुहाडे कोल कि मेरा समान दो। मैं पूछा कि हाँ जी दसो तुहाडा समान की आया वा। वो मैं कह रहा वा कि हाँ मैं दसदा वा। इन्ने नूं वो अपने बैग दे विचों पिस्टल कढ़दा वा ते मैनूं धक्का मार के कांधरा मार के मेरे पिस्टल ला लैंदा ते मैनूं कहिंदा मैनूं सारे पैसे दे दे। तेरे को मेरे जेब दे विच 1550 रुपये अपने सीगे, मैनूं वो कढ़ के फड़ाउण दी कोशिश कीती। मैं कहा आलू आ हैगे आ, उन्हें वो वाले जेब च पाले ते मैनूं उन्हें धक्का मारिया ते उन्हें गराज नूं जदों खोलिया तां पैसे पहलां मैं ढक के रखे, जदों उन्हें एकदम खिंचिया तां पैसे नंगे हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਬਟ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਿਆਣੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਿਆਣੀ ਰੋਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਟਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਘਟਨਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਾ ਜੀ, CCTV ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ। थाना सिटी पट्टी के अधिकारी ने दसिया कि मामला दर्ज कर लिया गया है ते मामले की जांच भी की जा रही है, पर वेखन वाली गल है कि किन्ना चिर अजिहियां लुट कसुट दियां वारदातां हुंदियां रहणगियां ते पुलिस किन्ना चिर जांच करदी रहेगी, ये जरूर सोचण वाली गल है। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी है, अपने कोरियर कंपनी है ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, सुरियाली रोड से पुरानी चुंगी के लागे इन्होंने अपना ऑफिस बनाया वा। उत्थे गुरजंट सिंह पुत्र बूटा सिंह कौम जट वासी रसूलपुर जिहड़ा सुपरवाइजर है, ये अंडर गां 4 बंदे काम करते हैं इस प्राइवेट कंपनी के अंडर। और अज इन्हें सानू अपना बयान दिता वा कि करीब 12:15 के करीब जरा 2 मुंडे नौजवान जे स्पलेंडर मोटरसाइकिल से आए, साडा 3 दिन का कैश जरा वा वह अं अजे बैंक जमा करवाना सीगा ते वो साडे ऑफिस गया सीगा ते उन्हें आण के ते गन पॉइंट के उत्ते जरा मेरे को अपने करीब 4,96,000 रुपया जरा मेरे को खो के लै गए और 1500 रुपया इन जेब के खो के लै गए। तो उस तो बाद इन्हें दसिया भी एक जना बाहर खड़ा सीगा तो एक जना अंदर आया, बाद दोवें जने मोटरसाइकिल से जरा फरार हो गए तो साढ़े को जरा पैसे खो के लै गए। इसकी स्टेटमेंट अभी ले ली है, FIR रजिस्टर कर रहे हैं और बंदे जे जल्द तो जल्द अभी पुलिस कर लेंगे। गन पॉइंट तो इन्हें कहा भी उन्हें पिस्तौल की नोक से मेरे को होए है, मतलब कि मामला दर्ज कर लिया। हाँ जी हाँ जी, मामला स्टेटमेंट यदि ले ली है, अपने FIR लॉन्च कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन दे विच मतलब अभी जल्दी तो जल्दी ट्रेस कर लेंगे। घटना CCTV विच भी कैद हुई है, कोई पहचान की गई उनकी जांच की गई? नहीं, इन्वेस्टिगेशन अजे चल रही है, ये बाद दे विच अभी मतलब दसांगे। पट्टी तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।